अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं वकार क्रिकेट शो। पाकिस्तान की एक नहीं बल्कि अब दो टीमें होंगी, इस बात ने सब को हिलाकर रख दिया और आप भी हिल जाएंगे जब ये बात आप तक पहुंचेगी। पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी अग्रेसिव मूड के साथ जनाब पहुंचे डुबलिन के अंदर, मुलाकात उनकी हो चुकी है। दो घंटे तक मीटिंग जनाब जारी रही अजर महमूद, वहाब रियाज, बाबर आजम और टीम के प्लेयर्स के साथ। उन्होंने कहा कि अपने तरीके के ऊपर नजर दौड़ाओ, किस मैार की क्रिकेट खेल रहे हो जनाब, अपना माइंड सेट तो कम से कम चेंज कर लो, अग्रेसिव अप्रोच बनाओ। अगर आप आज आयरलैंड से हार रहे हो तो कल आपके ग्रुप में यूएसए और कनाडा भी है। वर्ल्ड कप के अंदर तो अगर आप उनसे हारोगे तो कुछ आपके पास नहीं रहेगा। आयरलैंड से पाकिस्तान को जो शिकस्त मिली है वो एक जोरदार तमाचा जरूर है, इस बात में कोई दो राय नहीं है, लेकिन टीमों को शिकस्तें होती रहती हैं। बाबर आजम एक हाथ से ताली नहीं बजा सकता, ये एक बहुत तगड़ी एग्जाम्पल है, समझने वाले समझ जाएंगे। मोहसिन नकवी ने बहरहाल टीम का मोराल हाई किया कि प्लेयर्स पुर उम्मीद है, एक्सपेक्टेड है कि मोहम्मद आमिर आज इन एक्शन जरूर नजर आएंगे, लेकिन जनाब उन्होंने कहा कि अप्रोच चेंज करो, दिमाग जो है ना वो राइट वे के ऊपर दौड़ाओ, जरूरत है बिफोर द वर्ल्ड कप। और जो स्टेटमेंट की मैंने आपके साथ बात की कि दो टीमें होनी चाहिए, पाकिस्तान की एक टीम वो हो जो पाकिस्तान के लिए खेले और दूसरी टीम वो हो जो सिर्फ रिकॉर्ड बनाने के लिए खेले, यकीन करें हिलाकर रख दिया पाकिस्तानी फैंस को इस बात ने। और इस बंदे ने बात मेरिट के ऊपर किया, मैं बहुत ही ज्यादा इसके ऊपर बहस करता हूं कि कम से कम जो आपकी राय है, जो आपका ओपिनियन है, वो हर बंदे को देने का हक है। और ये बात किसी और ने नहीं किया, पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर लेफ्ट हैंडेड ओपनिंग बल्लेबाज आमिर सोहेल ने बात रखी है, उस बंदे के ये दिल से आवाज निकली है। जिस तरह शुएब अख्तर का वो एक संजीदा ट्वीट, अहमद शहजाद का वो रिएक्शन कि क्या ये बेंच स्ट्रेंथ थी या क्या था, अब आमिर सोहेल की भी इसी तरह की स्टेटमेंट आई है कि जो टीम रिकॉर्ड बनाने के लिए खेलती है वो ना तो वर्ल्ड कप जीतती है और ना ही कोई मैच जीतती है। गौर कीजिएगा इस स्टेटमेंट के ऊपर, यानी कि पाकिस्तान को दो टीमें तश्कील देनी चाहिए, एक जो रिकॉर्ड बनाए, दूसरी जो पाकिस्तान के लिए खेले। बहुत मायूसकुन बात है, लेकिन बेस्ट विशेस है पाकिस्तानी टीम को, फिर भी सपोर्ट करते रहेंगे, दिल से सपोर्ट करते हैं, सपोर्ट करते रहेंगे, खड़े हैं टीम के साथ, लेकिन खड़ा होने के काबिल जरूर छोड़ना। ये रिक्वेस्ट है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट से, प्लेयर से, खुदारा वर्ल्ड कप आ रहा है, एक होकर खेलें और पाकिस्तान को फतेह दिलाएं। अपडेट से चले गए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना।